सरकार की जिम्मेवारी है कि वो किसान के द्वार पे आए और किसान से बात करे। इसका मतलब नाराज है सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करके जीप कानून रद्द करनी चाहिए। किसानों ने माँ कसम दराती को भी हथियार बनाया है। की कीमत आजादी से लेके आज तक अगर सबसे ज्यादा शहादत दी है देश के अंदर देशभक्ति के लिए तो वो इस पगड़ी ने दी है। इसे सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए हर देशभक्त। नहीं जाएगा किसान। सांप को मारने के बजाय सांप की मौसी को मार दो। अच्छा तो एक छोटा सा सवाल है, कहीं ना कहीं कठिन भी है और आप शायद जवाब दोगे, मुश्किल ही है। बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं किसान, तो फिर दूसरी पार्टी कौन सी अपनानी चाहिए जो देश का भला कर सके, किसानों का भला कर सके? देखो आपका तो इतना बड़ा अनुभव रहा है, आप किसी का ठेकेदार तो हूँ नहीं। तमाम मुद्दों पर बात हरिंदर दाव ने बताया कि भाई कुछ नहीं कहना, मैंने पता था सवाल का जवाब मिला नहीं, बताओ क्या नहीं मिला। हरिंदर दाव मौजूद है और लखनऊ की पंचायत अभी जो है समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, वीडियो भी डालूंगा राकेश टिकैत के, काफी जो मुद्दे रहे थे। और लगता नहीं ऐसा कि किसान आंदोलन अभी समाप्त होगा, यानी कि 29 तारीख तक तो है वेट, लेकिन उसके बाद ही मीटिंग है कहीं। और हरिंदर दाव देखिए कितना प्यार यहाँ पर मिला, मैं यही देखता रहता हूँ, नोटिस करता रहता हूँ, देखो कितने हरिंदर दाव के साथ कितने किसान है और कितना प्यार मिला। कहीं ना कहीं इनका प्यार जो देखते होंगे कानून रद्द हो गए हैं, लेकिन एक बात वो बराया करते कि मोदी को छटने वाला नहीं है, लेकिन आज कानून रद्द होने की बात जो मोदी ने कही है, फिर इनका क्या बयान है, क्या बयान है जी आपका? क्या राम राम कर दो पहले तो, पंजाब हरियाणा नहीं पूरे देश के किसानों को और किसानों का साथ देने वालों को सबको हमारी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वाहे गुरु जी का खालसा। अच्छा जी क्या लगता है, पहले दोनों कहा मोदी कानून वापसी नहीं लेता, आपको पता था अचानक से मोदी जी ने आकर लाइव बोल दिया? झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, तो ये किसान झुकाने वाला है? ये वो किसान है जो मुगलों को भगा सकता है, अंग्रेजों को भगा सकता है, तो फिर ये क्या चीज है? अच्छा अभी किसान कानून रद्द होने की बात भी कह दी मोदी जी ने, और उस दिन इतने प्यार से कहा मोदी जी ने कि गुरु पर्व पर हम कानून वापसी लेते हैं और सभी किसान अपने खेत में जाए काम करें, लेकिन उसके बाद फिर ही हमारा पंचायत बुलाई गई, वे प्रोग्राम नू के नू है, कैंसिल नहीं हुए कोई भी प्रोग्राम, तो क्या लगता है क्यों नहीं बैठता शांत किसान? नहीं किसान तो शांत है, किसान ने उपद्रव किया कहाँ है? नहीं अपने किसान खेत एक साल से किसान शांति से ही तो बैठा है, लेकिन ये सरकारें हैं उसे शांति से भी नहीं बैठने देती, और शांति से चलते हुए को मंत्री का बेटा गाड़ियों से कुचलता है, कोई लाठियों से पीटते हैं, सर फोड़ते हैं, हत्या कर देते हैं, तो किसान ने तो हाथ नहीं उठाया किसी का, तो किसान तो एक साल से ऐसा शांत था। और दूसरी चीज़ रही घर जाने की, तो जिस दिन तीनों काले कानून संसद में रद्द होंगे, संसद में MSP की गारंटी मिलेगी, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए उस पर सरकार बात करेगी, 50,000 से ज़्यादा इन किसानों पर मुकदमे हो गए उस पर बात करेगी, किसानों के गन्ना पेमेंट पर बात करेगी, बिजली बिल पर बात करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी हर मुद्दे पर। अच्छा तब घर जाएंगे। और दूसरी बात, आपने गुरु पर्व की बात करी, बड़ी जल्दी गुरु याद आए, ये वही गुरु के बेटे खड़े हैं जिनको खालिस्तानी कहते हैं, तो आना पड़ा ना वहीं उस गुरु के दरबार में मत्था टेकना पड़ा ना, जिसको तुम गाली देते हो, और जब ज़रूरत पड़ती है तो गुरु का बहाना लेते हो, ये बहरूपियों का काम होता है, इंसानों का काम नहीं। अच्छा अभी जैसे कानून मान लिया जाएगी रद्द हो जाएंगे, पहला स्तर 29 तारीख से शुरू है, क्या लगता है MSP पर जो एक और बोझ आपने रख दिया, बोझ ही लगा है, क्योंकि आम जनता सोच रही होगी कि किसान जानबूझ के उठाना चाहते, क्योंकि कहीं आपने डिमांड रख दी, राकेश टिकैत भी कह रहे थे ट्रैक्टर का मुद्दा है, दूध का भी छेड़े उन्हें, तो क्या लगता है आंदोलन इसका मतलब तो काफ़ी लंबा चलेगा अभी तो? देखिए जब मुद्दे हैं, किसान परेशान है, तो किसान से बात क्यों नहीं करते? उद्योगपतियों से तो एक मिनट में बात कर लेते हैं, देश के किसान से बात करने में सरकार, अगर देश का किसान बात नहीं सरकार से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? सरकार की जिम्मेवारी है कि वो किसान के द्वार पे आए और किसान से बात करे। इसका मतलब नाराज है सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करके जीप कानून रद्द करने चाहिए थे, प्रधानमंत्री के साथ बैठ। मैं ये नहीं कह रहा, MSP अपने माल का वाजिब दाम मांगना ये गुनाह है क्या है? ये 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, अगर ये 3 बिल नहीं लाता काले कानून तो किसान सड़कों पर नहीं आता, सड़कों पर नहीं आता तो 750 से ज़्यादा किसान शहीद नहीं होते, और ये बिल नहीं आते तो अजय टेनी का बेटा किसानों को गाड़ी से नहीं रोन सकता था।
लेकिन पहले सरकार कहती थी कि किसानों की भलाई में, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, समझा नहीं पाए, मतलब इतनी बड़ी सरकार होते हुए किसानों को नहीं समझा पाए। देखिए किसान तो समझ गया, सरकार नहीं समझ पाई। सरकार को नहीं पता था किसानों से पंगा जिस जिसने लिया है। किसानों ने माँ कसम दराती को भी हथियार बनाया है, याद है? मुगलों को भगाया ये किसान की बदौलत भागे थे, अंग्रेजों को भगाया ये किसान ने भगाया। और जानते हो इस पगड़ी की कीमत आज़ादी से लेके आज तक? अगर सबसे ज़्यादा शहादत दी है देश के अंदर देशभक्ति के लिए तो वो इस पगड़ी ने दी है। इसे सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए हर देशभक्त को। अच्छा, क्या किस कौन सा अहम सवाल मानते हैं कि कानून रद्द करे सरकार ने हुआ बात देख कर? क्योंकि पूरे एक साल हो जाएगा 26 नवंबर को, तो ऐसा क्या लगे मोदी जी ने अचानक से आकर के बोल दिया? देखिए ये राजनेता होते हैं, ये जनता से सिर्फ 5 साल में एक बार डरते हैं और उस एक बार डर के जनता को भगा लेते हैं और फिर 5 साल उसी जनता का खून पीते हैं। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ है भगाने की बात? बिल्कुल ये बात है, मतलब फिर नाम बदल के लाएंगे ये। अच्छा, कानून दोबारा फिर लाएंगे? लाएंगे, बहुत तेज है। फिर तो ये धोखेबाज हैं, धोखेबाजों के छलावे में किसान नहीं आएगा। इसका मतलब तो किसान ने सोच लिया कि चाहे कितना भी कानून वापसी ले लिया मैं फिर भी वोट यानी कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगा किसान। सांप को मारने के बजाय सांप की मौसी को मार दो, डर ही खत्म हो जाएगा, डर ही खत्म। फिर क्या इमेज बनी अभी बीजेपी सरकार के प्रति, नेगेटिव? देखिए क्यों बनी, हमें तो एक सरकार चाहिए और वो सरकार चाहिए जो किसानों की बात करेगी, किसानों के हित में फैसले लेगी। तो जो किसानों के हित में फैसले नहीं लेगी, नौजवानों के हित में फैसले नहीं लेगी, महिलाओं के हित में फैसले नहीं लेगी, तो भैया वो लोग क्यों चाहेंगे ऐसी सरकार? महंगाई का मुद्दा पता है, महंगाई डायन खाए जा, और ये क्या कर रहे हैं, महंगाई हुई कभी देश में इतनी ज़्यादा महंगाई? अच्छा, 29 तारीख को क्या फिर संसद बजाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए वो 500 किसान जो है टिकरी बॉर्डर से और 500 किसान गाजीपुर बॉर्डर से, ये 500 किसान हर रोज संसद जाएंगे। क्यों, मतलब ऐसे कानून देखे हैं कैसे रद्द होंगे? ये हमारा संसद में तो बैठने तो रहे, ये हमारे आंदोलन की एक रणनीति है, उसका एक पार्ट है, तो वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर आज यहाँ पर बात हुई है, काफ़ी टाइम बाद इनसे मिलना हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर? इनका भी अहम योगदान है ताऊ, काफ़ी जो सरकार ने भी देखी होगी आपने, पूरा एक करोड़ों किसानों का जो एकदम अपने तरीके से काम कराया है जिस तरह से सरकार को दबाने का सोशल मीडिया ऐसा है। मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं, जो सहयोग है भारत के उस किसान का जो इन किसानों के आंदोलन से जुड़ा है, जो किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बॉर्डर पर बैठे हुए हमारा साथ दिया। कुछ किसान ऐसे हैं जो आ नहीं सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो बॉर्डरों से दूर हैं लेकिन वो अपने घर में बैठे हैं, कुछ मजदूर हैं, महिलाएं हैं और युवा वर्ग। अच्छा। खास तौर से युवा वर्ग जिसने ट्विटर पर किसानों का साथ दिया है, मैं सबको दिल से सल्यूट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल है, कहीं ना कहीं कठिन भी है और आप शायद जवाब दोगे, मुश्किल ही है। बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं किसान, तो फिर दूसरी पार्टी कौन सी अपनानी चाहिए जो देश का भला कर सके, किसानों का भला कर सके? देखो आपका तो इतना बड़ा अनुभव रहा है, मैं किसी का ठेकेदार तो हूँ नहीं। ये इन किसानों को देखना है। मैंने आपको बताया था, दूर रखता। अब जो कुछ कर पाए वही ले, जो किसान की बात करेगा, जो किसान के मुद्दों पर बात करेगा, जो किसान का सहयोग करेगा, जो युवाओं को बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, ये किसान तय कर लेगा और जो बीजेपी को हराएगा। चलो जी, तमाम मुद्दों पर बात, हरेंद्र ताऊ ने बताया कि भाई कुछ नहीं करना, मैंने पता था सवाल का जवाब मिला नहीं, क्या नहीं मिला नहीं, इतना बड़ा अनुभव रहा है आपका। तो चुनाव अभी आए नहीं, जिस दिन देश के अंदर आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग चुनाव की जिस दिन घोषणा कर देगा, उस दिन हरेंद्र ताऊ खुद बता देगा कि इस पार्टी को वोट देना। चलो भाई, ताऊ का इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद भारत माता की, जय जवान जय किसान।